तो क्या हाल है मेरे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका जीके डेली अपडेट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जून करंट अफेयर जीके कुछ क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को तीसरे चरण के ट्रस्ट में कितने प्रतिशत इफेक्टिव पाया गया? तो इसका ऑप्शन है 91.1, 82.5, 66.9, 77.8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77.8 पाया गया है। इसलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 जून 2021 को भारत ने एक दिन में कितने लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई? तो इसका ऑप्शन है 26.25 लाख, 28 लाख, 86.16 लाख, 62.68 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 86.16 लाख वैक्सीन लगाई। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है 20 जून, 21 जून, 22 जून या 23 जून को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा विश्व संगीत जून संगीत दिवस। चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 21 जून को मनाया जाता है संगीत दिवस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एम योगा मोबाइल ऐप जिसने प्रशिक्षण वीडियो और वीडियो है इसमें लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, आयुष मंत्री किरण रिजिजू या रामनाथ कोविंद? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड के अनुसार भारत को 2020 में कितने बिलियन का FDI प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन है $76, $64, $89 या $97। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा $64 FDI प्राप्त हुआ है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 18 जून को, 19 को, 20 जून को या 21 जून को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 जून को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन है 18 जून को, 19 जून को, 20 को या 21 जून को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 जून को स्किल सेल जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन है 21 जून, 22 जून, 23 जून या 24 जून को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है ओलंपिक दिवस। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया गया है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में परिसीमन अभ्यास शुरू हुआ है? तो इसका ऑप्शन है असम, जम्मू कश्मीर, पंजाब या हरियाणा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में मनाया गया है, वो शुरू किया गया है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वर्षीय योग विज्ञान पाठ्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली ने घोषणा की है इसकी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इब्राहिम अरासई राष्ट्रपति पद चुनाव जीत दर्ज कर किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो इसके ऑप्शन है इराक, ईरान, पाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर के सभी राजनेताओं दलों के बीच किस दिन बैठक हुई? तो इसका ऑप्शन है 22 जून, 23 जून, 24 जून या 25 जून को। और तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी भी बैठक हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जून को बैठक हुई है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन है 21 जून को, 22 को, 23 को या 24 जून को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी भी बनाया है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जून को मनाया गया है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के बंद पड़े आभ्यासी विद्यालय में 751 लोग के कब्रें मिली हैं? तो इस कब्रें मिली हैं, तो इसका ऑप्शन है कनाडा, मेक्सिको, ब्रिटेन या फ्रांस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा में कब्रें मिली हैं।
तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कब तक राज्यों को 12वीं के परिणाम घोषित करने का निर्देश किया है? तो इसका ऑप्शन है 15 अगस्त तक, 25 जून तक, 2 अगस्त तक या 31 जुलाई तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 जुलाई तक। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ASII ने हाल ही में किस नई वैक्सीन की पहली खेप का उत्पाद शुरू किया? तो इसका ऑप्शन है AstraZeneca, बायोनेटिक या कोवोवैक्स या स्पुतनिक वैक्सीन। इसका सही आंसर हो जाएगा कोवोवैक्स। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन ने अरुणाचल बॉर्डर के पास तिब्बत में हाल ही में किस चीज़ की शुरुआत की है? तो इसका ऑप्शन है हवाई अड्डा, बुलेट ट्रेन, पानी जहाज सेवा या हाई स्पीड बस सर्विस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और भी है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटीजन पुरस्कार 2020 में नवोमेंत विचार पुरस्कार किस शहर ने जीता? इसका इसके ऑप्शन है मैसूर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा या इंदौर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर ने जीता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि CBSE ने किस महीने में वैकल्पिक परीक्षा आयोजन करने का निर्णय लिया है? तो इसका ऑप्शन है अगस्त, जुलाई, सितंबर या अक्टूबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त का निर्णय लिया है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस किस दिन मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन है 23 जून को, 24 जून को, 25 जून को या 26 जून को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जून को मनाया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।